One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. नोएडा के सेक्टर 61 में मार्बल होम्स सोसाइटी है, जहाँ पर इंडियन ऑयल में काम करने वाले सिगांतो, जो आसाम के रहने वाले हैं और यहाँ इंडियन ऑयल में काम करते हैं, वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हैं, जियोलॉजी से रिलेटेड उनका वर्क है। जो जानकारी मिली है उनके डिपार्टमेंट से और पड़ोसियों से कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, सुबह उनकी जो मेड है उसकी सूचना पर जानकारी मिली कि मृत हालत में उनकी वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो पुलिस ने जा करके वहाँ पे हमारी जो FSL की टीम है, FSL की टीम ने वहाँ से सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठा लिए, वहाँ की हमने वीडियोग्राफी कराई। शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है, मेडिसिंस वहाँ काफ़ी मात्रा में पड़ी हुई हैं और लोगों ने भी बताया कि वो मेडिसिंस पे चल रहे थे, उन्हें लीवर में भी इन्फेक्शन था। बाकी दरवाज़ा वो खुला रखते थे मॉर्निंग में, क्योंकि उनकी मेड आती थी, वो सोते रहते थे, तो मेड उस वक्त आती थी घर पे काम करने के लिए। अभी तक जो हम लोगों ने विवेचना उसमें की है, जो भी उसमें निरीक्षण किया है, देखा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि उनकी एक किसी बीमारी की वजह से ही मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, उनके मुँह से और नाक से थोड़ा ब्लड ब्लीडिंग हुआ है, अब उसका रीज़न क्या रहा है, वो रीज़न जो है पता चल पाएगा जब पोस्टमार्टम। नहीं, फ्लैट की हालत देखने से ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई आया होगा, मेड ही थी जो पहली जिसकी एंट्री हुई थी, और जो वहाँ पे हमने उसकी वीडियोग्राफी कराई है, फोटोज़ लिए हैं, पूरा निरीक्षण किया है घर का, तो ऐसी कोई चीज़ डिस्टर्ब वहाँ पर नहीं मिली। मेडिसिंस मिली हैं, जहाँ पर वो थे वहाँ पर मेडिसिंस रखी थी और बॉटल्स थी, ड्रिंक करते थे, वो सारे निशान मिले। लीवर का इन्फेक्शन था उनको और भी प्रॉब्लम्स थी, तो सारे कागज़ तो उनके नहीं मिले हैं, लेकिन वो बीमारी से ग्रस्त थे, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, ये उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने भी बताया। अकेले रहते थे कुछ दिन पहले उनकी मदर आके उनके पास रुक के गई थी और अभी वो अकेले रह रहे थे। ये कि वो प्रशिक्षण जो